हेलो फ्रेंड्स, सचिन पहले की तरह ही एक और मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा इसका वीडियो बनाने का स्टाइल चेंज कर दिया है। मैं आपको इसका एक पार्टिकुलर एक एक फंक्शन मैं आपको इसे प्ले करके दिखा के सारा कुछ कैसे फंक्शन ऑन होता है, कैसे फंक्शन यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं लगता है कि ये चलता कैसे है। बहुत सारे बायस इसलिए नहीं परचेज कर पाते, उन्हें फंक्शन ही नहीं पता है होता है कि इसे चलाना कैसे है। तो आइए मैं आपको हमारे जो एक प्लेयर है, यूनिवर्सल प्लेयर DD, जो सबसे बेसिक मॉडल होता है, इसका टच पैनल जो होता है, एक टच पैनल मैंने आपको एक वीडियो में आपने देखा होगा, एक टच पैनल होता है कैपेसिटिव और सेंसिटिव। कैपेसिटिव टच पैनल मोबाइल टच पैनल होता है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता एग्जैक्टली आइडिया लग पाता है कि कैपेसिटिव टच पैनल और सेंसिटिव टच पैनल में डिफरेंस क्या है। तो आइए उसी डिफरेंस को आज हम डिफाइन करके मैं आपको पूरा आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आप इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ, ऑन करके। ये बटन दिख रहा है, हमें एक बार इसे प्रेस करना होता है। देख रहे हैं, ओपन हो गया। ये मेन्यू आ गया, और यहां से हम मेन्यू बेस से भी जा सकते हैं। मेन मेन्यू का ये बटन होता है, यहां से हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से होम बटन होता है। अब देखिए, मैं इसका टच पैनल जो मैं आपको दिखा रहा था, आपने एक हमारे वीडियो में देखा होगा, जो मैंने आपको कैपेसिटी मोबाइल टच पैनल देखा था, जिसमें हमने ये स्टिक यूज़ किया था तो वो यूज़ नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हमारे हिसाब से आप देखें तो ये स्टिक जो है बेसिकली इसी को यूज़ करने के लिए बनाया गया। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं स्टिक हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसे स्टिक से यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से यूज़ होता है, प्रॉपरली वर्किंग होता है, और ये स्पेशली स्टिक के लिए ही बनाया जाता है। अगर हम लोग फिंगर से यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही हार्ड होता है, हमें थोड़ा टच हार्ड प्रेस करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे आप जितने भी फंक्शन, यहाँ पे टाइमिंग होता है, ये FM है, FM रेडियो है, वो आपने पहले ही देखा था। यहाँ से हम लोग मेन मेन्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे ये आप जो म्यूज़िक का फंक्शन देख रहे हैं, ये म्यूज़िक प्लेयर होता है। यहाँ पे अभी इसमें कोई कार्ड नहीं लगा है, यहाँ से मूवी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर USB या आप SD कार्ड लगाते हैं। ये फोटोज़ गैलरी है जो आपने देखा था, ये एक्सप्लोरर है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। जो हम लोग फ़ोन में भी आप देखते हैं, गैलरी होता है, जहाँ से फाइल मैनेजर, हम लोग फाइल मैनेजर जो जिसे बोलते हैं। ये ब्लूटूथ फंक्शन होता है, यहाँ से आप ब्लूटूथ फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका कॉलिंग फंक्शन होता है, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम केबल सारा देखते सकते हैं, यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये रिसीट का आपको बटन दिख रहा होगा छोटे वाला, और इसमें भी आपको एक माइक जो होता है इसके इंटरनली लगा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर में माइक का फंक्शन, अगर आप ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये माइक से आप इसमें वॉइस भी आप बात कर सकते हैं इसके थ्रू। चलिए अब मैं आपको आगे फंक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्स केबल का है और ये सेटिंग का ऑप्शन आता है। चलिए अब हम इसके इस तरफ देखते हैं, यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चार्जिंग बताता है, और इसमें भी DVR मोड होता है, जो कैमरे का मोड होता है DVR। यहाँ पे जब हम कैमरा कनेक्ट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक इसका एग्जैक्टली पता आपको लगेगा कि ये DVR मोड कैसे वर्क होता है। चलिए अब आप ये देखिए, यहाँ पे व्हील्स, स्टीयरिंग व्हील्स कंट्रोल, आपने पहले भी वीडियो देखा होगा। यहाँ पे हमें पेयर करना होता है जिस बटन को भी, जैसे वॉल्यूम बटन को हमें पेयर करना है तो पहले हमें वॉल्यूम बटन को प्रेस करना होगा, फिर हम पेयर करते हैं, और फिर हम लास्ट में इसे सेव कर देते हैं। अब मैं आपको इसमें मिरर लिंक का फंक्शन दिख रहा है, सारे मिरर लिंक का फंक्शन सेम ही होता है, सेम प्रोसीजर होता है, सब कुछ सेम ही होता है, सेम एक ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, सारा फंक्शन एक ही होता है मिरर लिंक यूज़ करने का। चलिए अब मैं आपको मिरर लिंक यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि हम इसे फ़ोन में ऑपरेट कैसे करते हैं, फ़ोन या आप किसी भी फ़ोन में। ऐसे नॉर्मली अगर फ़ोन में हम USB डालें तो मिरर लिंक नहीं कनेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक फंक्शन ऑन करना होता है फ़ोन में। सारे फ़ोन का सेम प्रोसेस होता है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए ये सैमसंग फ़ोन है, ठीक है, पहले हमें सारे फ़ोन का सेटिंग सेम ही होता है, हमें सारे फ़ोन में सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाके सबसे लास्ट ऑप्शन आता है या सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है अबाउट डिवाइस का, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सारे जितने भी उसके डिवाइस के बारे में होता है क्या है नहीं है। यहाँ पे देखिए आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, और बहुत सारे फ़ोन में ऊपर में ही रहता है, तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ये बिल्ड नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमें 3 क्लिक करना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड।
अब ये डेवलपर मोड आ गया, तो हमें कैसे चेक करना है कि ये डेवलपर मोड ऑन हुआ या नहीं हुआ, वो हम आपको बता रहे हैं। हम बैक करेंगे, ये देखिए एबॉट फ़ोन के ऊपर में एक ऑप्शन आ जाता है डेवलपर ऑप्शन। अब हम आपको इसे प्लेयर में कैसे यूज़ करना है, कैसे ओपन करना है, वो उसके बारे में, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, फर्स्ट हमें इसे डालते ही चार्जिंग ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे चार्जिंग शो होता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें डेवलपर ऑप्शन में जाना होता है। डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन आता है, इसे हम इनेबल कर देते हैं। हेलो, ओके, डीबगिंग मोड ऑन करने के बाद जैसे ही हम यूएसबी डालते हैं, इसमें देख सकते हैं सारे फंक्शन जितने भी मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के हैं, सारे फंक्शन इसमें सेम आ गए हैं। अब जो भी यहाँ से हम इसमें वर्क करेंगे, सारा कुछ आपके उसमें डिस्प्ले होगा। चलिए मैं आपको कुछ YouTube के वीडियो इसमें प्ले करके दिखा दूँ। अगर हमें इसे फुल स्क्रीन में देखना है तो हमें इसे लैंडस्केप मोड में डालना होता है, इससे ये फुल स्क्रीन में चलता है। आप देख रहे हैं जो प्लेयर में हम वीडियो बजा रहे हैं वही सेम हमारे मोबाइल फ़ोन में भी चल रहा है, और इसका क्लैरिटी भी देख सकते हैं, फुल HD सपोर्ट करता है, 1080 पिक्सल। आप देख सकते हैं सारे फंक्शन, आप एंड्रॉइड फ़ोन जितने आप एंड्रॉइड प्लेयर लेते हैं सारे फंक्शन आप मिरर लिंक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हम इसमें नेविगेशन यूज़ करके दिखा रहे हैं कि नेविगेशन इसमें कैसे फंक्शन वर्क करता है, तो आप वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम कहीं पे भी नेविगेट करते हैं, तो आप नेविगेशन में यहाँ से देख सकते हैं, आप स्टार्ट नेविगेशन। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये टर्न कर देना होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हमें कहाँ टर्न लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, यहाँ से हम नेविगेशन यूज कर सकते हैं। जितने भी फंक्शन है, अगर हमें वीडियो प्ले करना होगा, कुछ भी करना होगा, यहाँ से हम कैमरा भी यहाँ से हम चला सकते हैं। आप अपने प्लेयर से भी डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कोई भी फोटो अगर क्लिक करना है, यहाँ से हम फोटो भी खींच सकते हैं। अगर हमें बैक करना है तो हम इसी फंक्शन को यूज़ करके हम यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। ये मेन मेन्यू आ गया, चलिए हमें मिरर लिंक ऑप्शन यूज़ करना है। जितने भी फंक्शन है आप अपने फ़ोन से यहाँ से भी डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, अगर हमें फेसबुक चलाना है या कोई भी इंटरनेट नेविगेशन मैप चलाना है, तो मैप भी हम यहीं से अपने प्लेयर से भी डायरेक्टली जाके नेविगेट कर सकते हैं। अब हमें डायरेक्शन चेंज करना है, जो भी काम हम मोबाइल फ़ोन से करेंगे वो काम हम प्लेयर से भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बहुत सारे शेयर कर सकते हैं। हम आपको जो भी हमारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे उसके फीचर्स और सारे फंक्शन आपको हम हमेशा बताते रहेंगे, उसके लिए हमारे पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।